भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर से, जहां उत्तर प्रदेश के शासन में सचिव और नोडल अधिकारी समीर वर्मा ने घाटों का किया निरीक्षण। ज्ञात हो कि गंगा के घाटों पर लगातार शव के उतराने से महामारी फैलने के अंदेशा से हड़कंप मचा हुआ है। शव के गंगा में उतराने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार कराने और गंगा में शव का जल प्रवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया था। साथ ही गंगा में शव का जल प्रवाह रोकने के लिए गंगा में पेट्रोलिंग के साथ मुनादी कर लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए थे। आज गाजीपुर के शमशान घाट पर सीएम के दूत बनकर आए सचिव और नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन समीर वर्मा ने निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी समीर वर्मा बोट में सवार होकर गंगा के घाटों का भी निरीक्षण किए। निरीक्षण के बाबत समीर वर्मा ने बताया कि कुछ कमियां हैं जिसे दुरुस्त करने के जिला प्रशासन लगी हुई है। समीर वर्मा ने माना कि कोरोना टेस्टिंग में थोड़ी कमी है, जिसे और अधिक कोरोना जाँच कराने की जरूरत है। बता दें कि जिला प्रशासन और समाज सेवियों के सहयोग से शमशान घाट पर लकड़ी बैंक बनाया गया है, जहां से गरीब असहाय लोगों को शवदाह के लिए निःशुल्क लकड़ियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही शमशान घाट पर शवदाह के लकड़ियों के दाम को भी 650 रुपए प्रति क्विंटल फिक्स कर दिया गया है। साथ ही 500 रुपए डोम राजा की फीस भी फिक्स कर दी गई है, लेकिन गरीब असहाय लोगों के लिए शासन स्तर से डोम राजा की फीस भी जिला प्रशासन की ओर से दी जाने का भी निर्देश है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी गंभीर है। साथ ही जिला प्रशासन कोरोना के तीसरे वेब को लेकर भी जिला प्रशासन मुस्तैद है। गाजीपुर में कल कुल 6189 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। 35 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कुल जिले में कोरोना एक्टिव केस 1590 है, जबकि 340 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। सर नीचे की जगह है ना, तो नीचे ज़्यादा जगह है।